हेलो दोस्तों, मैं अजीत चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि कोचिंग क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पाँचों के पाँचों, ठीक है। देखिए, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 55 है, ठीक है, और हम रीजनिंग भी पार्ट वाइज करा रहे हैं, ठीक है, और मैथ भी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या चुनिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या करना है, संबंधित संख्या चुनना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हमारे यह दिया है, चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 1648 का संबंध 1339 से है, तो 2266 का संबंध किससे होगा, ठीक है, इसी को हमें सोल्व करना है। देखिए 1648 में क्या क्या है, देखिए 16 में हम अगर 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर 48 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 13 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, यानी कि ये संबंध ठीक है, ठीक है, यानी कि ये संबंध ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या, 16 में 3 से गुणा किया तो 48 आ गया है, 13 में 3 से गुणा किया तो 39 आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर 22 में हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन से अगर हम गुणा करें कि हमारी संख्या इनमें से कोई एक आ जाए। देखिए 12 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 34 नहीं आएगा, ठीक है, और 21 में अगर हम 33 से गुणा करेंगे, सॉरी 3 से गुणा करेंगे तो 33 भी नहीं आएगा। देखिए अगर हम 14 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 1442, क्या भरा जाएगा, 1442, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने कैसे किया, 16 में 3 से गुणा किया तो 48 आ गया, ठीक है, तो 13 में हमने 3 से गुणा किया तो 39 आ गया। उसी प्रकार हमने 22 में 3 से गुणा किया तो 66 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, 14 में 3 से गुणा किया तो हमारा कितना आ गया, 42। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 1442, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों, दिए गए विकल्पों में संबंधित अंक चुनिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क हमारे यही दिया हुआ है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, 7 का संबंध 17 से है, तो क्वेश्चन मार्क का संबंध 50 से कैसे होगा, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 7 का संबंध 17 से कैसे है, देखिए 7 में हम क्या करेंगे, अगर दो का हम घन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दो का घन करेंगे तो हम क्या होगा, हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम 8 में से -1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार हम इसका भी करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 दिया है तो हम क्या करेंगे, 4, पहले 2 का फिर उसका दूना, 4, 4 का हम क्या कर दें, 4 का अगर हम वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16, ठीक है, कितना आ जाएगा, 16। अगर हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17, ठीक है, देखिए हो गया 17। देखिए पहले हमने क्या किया, 2 का घन किया, ठीक है, और 2 का घन किया तो 8 आ गया, 8 में से -1 कर दिया तो 7 आ गया, ठीक है। फिर 17 में हमने क्या किया, 4 का वर्ग किया, ठीक है, तो क्या आ गया, 16, उसमें 1 जोड़ दिए तो 17 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले 2 का किए फिर 4 का किए, ठीक है, अब किसका करेंगे, 5 का करेंगे, किसका करेंगे, अगर 5 का हम घन कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम 5 का घन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 का करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना करेंगे, 7, क्योंकि 2 का गैप होगा। अगर 7 का हम घन, सॉरी देखिए 7 का अगर हम वर्ग कर दें, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हम 7 का वर्ग कर दें कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 हो जाएगा, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी कि देखिए ये स्टेप फॉलो हुआ है दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला स्टेप फॉलो हुआ है, तो हम पहला वाला स्टेप फॉलो करेंगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 दिया है तो हमने यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 अंक माइनस कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 7 में से 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 का क्या करेंगे, 5 का घन करेंगे, क्योंकि पहले में हमने 5 का घन किया है, 5 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों वो आ जाएगा हमारा 125, कितना आएगा, 125 आएगा, ठीक है। अगर हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 124, कितना आ जाएगा, 124। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 124। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, पहले 7 का संबंध 17 से कैसे किया, 7 में अगर हमने 2 का घन किया तो 8 हो गया, ठीक है, और 8 में से -1 कर दिया तो
सात हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हमने अब क्या किया, चार का वर्ग किया तो 16 गया, उसमें एक जोड़ दिया तो 17 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क को हमने पहले छोड़ दिया, उसके बाद पहले 50 का सोल्व किया। तो हमने क्या किया, सात का वर्ग किया, ठीक है, सात का वर्ग किया और प्लस उसमें एक जोड़ दिया तो 50 आ गया। तो अब हमने क्या किया, सात में से माइनस दो कर दिया तो कितना आ गया, पाँच, क्योंकि यहाँ पर देखिए चार में से दो किया तो यहाँ पर आ गया था दो, तो हमने किया तो पाँच आ गया, पाँच का घन किया तो कितना आ गया, 125 आ गया, 125 में से माइनस वन किया तो 124 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनिए। देखिए दोस्तों क्या करना हमें इस प्रश्न में, संबंधित संख्या चुनना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों एक का संबंध 8 से कैसे है, ठीक है, उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर का संबंध 64 से करेंगे। देखिए क्या करेंगे, अगर हम एक का घन कर देते हैं तो कितना होगा, देखिए दोस्तों अगर एक का वर्ग या घन करें कुछ भी करेंगे तो उसका मान एक ही होगा, ठीक है। अगर देखिए पहले हमने एक का घन किया तो एक हो गया, अब किसका घन करेंगे, दो, दो का घन करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों दो का घन करेंगे तो आठ हो जाएगा, क्योंकि दो गुणे दो गुणे दो, तो गुणा करके देख लीजिएगा आठ आएगा, ठीक है। तो अब कितने का हम घन करेंगे, देखिए पहले हमें एक, फिर दो, फिर कितने का, पहले आप देखिए यहाँ करते हैं चार का घन कर लेते हैं, चार का घन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, चार गुणे चार गुणे चार, तो कितना आ जाएगा, चौंसठ, कितना आ जाएगा, चौंसठ आ जाएगा, ठीक है, चौंसठ आ जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए पहले एक दो, फिर अब किसका करेंगे, तीन, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम तीन का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, सत्ताईस आ जाएगा, क्यों, देखिए तीन गुने तीन गुने तीन करेंगे तो कितना आ जाएगा, सत्ताईस आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें तीन का घन करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ तीन का घन करेंगे कितना आ जाएगा, सत्ताईस आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा सत्ताईस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए पहले एक का घन किया तो एक आया, फिर दो का घन किया तो आठ आ गया, ठीक है, फिर तीन का घन किया तो सत्ताईस आ गया, तो और चार का घन किया तो चौंसठ आ गया। यानी कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सत्ताईस आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दिया है सत्ताईस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हो तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या चुनिए। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या करना है, हमें संबंधित संख्या चुनना है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, तीन का संबंध 243 से है तो पाँच का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर हम तीन का कुछ ऐसा करें कि हमारा 243 आ जाए, जो स्टेप हम इसमें अपनाएंगे वो स्टेप इसमें भी अपनाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों अगर हम तीन का क्या करें, तीन का हम क्या करें कि हमारे 283 आ गए। देखिए दोस्तों तीन का हम पाँच, तीन का अगर हम पाँच घाते कर लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए दोस्तों गुना करेंगे पहले, तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए तीन तरीके नौ हो जाएगा, ठीक है, नौ तरीक 27 हो जाएगा, और 27 तिया कितना होता है, 81 होता है, ठीक है, और 27 तिया 81 होता है, ठीक है, और 81 तिया कितनी होता है, 81 तिया 243 होता है। यानी कि क्या किया है, पाँच का सॉरी तीन का पाँच घाते कर दिया है तो हमारी संख्या 243 चाहिए, ठीक है। अब उसी प्रकार हम पाँच का क्या करेंगे, पाँच का पाँच घाते करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के हमारे स्थान पर कोई एक संख्या आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करेंगे, पाँच का फाइव घाते करेंगे, यानी कि पाँच का पाँच घाते करेंगे कितना आएगा, पाँच गुने पाँच गुने पाँच गुने पाँच गुने पाँच, ठीक है, इस तरह कर लेंगे। देखिए पाँच का गुना पाँच में करेंगे पचवा 25 हो जाएगा, 25 में हम पाँच से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 हो जाएगा ना, और 125 में हम पाँच से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें पाँच से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3125 आ जाएगा, कितना आएगा, 3125। देखिए 3125 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, पहले तीन का पाँचें घात किया, ठीक है, तीन का पाँच घात किया तो हमारा 283 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हमने पाँच का भी पाँच घाते कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 3125 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 3125 हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पाँचवें में क्या दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर संख्या चुनिए। देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें संबंधित अक्षर संख्या चुनना है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों ए ए बी सी डी में है, ठीक है, इसलिए इसमें क्या चुनना हमें अक्षर, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ए जी का संबंध किससे है, आई ओ से, ठीक है, तो ई और के का संबंध किससे होगा, ठीक है, इसी को हमें सोल्व करना है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आए तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसे इस अक्षर को अंक में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, अंक में कन्वर्ट, जैसे कि देखिए एक इस स्थान पड़ता है एक, ठीक है, आ ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं, वो होते हैं 26, ठीक है, एक एक स्थान पड़ता है बी दो स्थान पे, ठीक है, और जी किस स्थान पड़ता है 7, ठीक है, उसी प्रकार जेड किस स्थान पड़ता है 26, ठीक है, तो हमें क्या करना है यही ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए ए किस स्थान पे आता है एक, ठीक है, एक नंबर पे, और जी 7 नंबर पे, ठीक है, और आई किस स्थान पे आता है, वो आता है 9, ठीक है, 9 स्थान पर, ओ पंद्रह आता है। तो देखिए दोस्तों इसमें संबंध कैसे बनाया है, देखिए एक में क्या किया है, एक में प्लस 8 कर दिया है तो कितना हो गया है, 9 हो गया है, ठीक है, और देखिए 7 में कितना जोड़ा है कि 15 हो गया, 7 में भी 8 जोड़ा है, क्या किया है, 7 में भी 8 जोड़ा है, यानी कि दोनों में समान संख्या जुड़ी हैं, तो इसी प्रकार इसका संबंध बना है कि ए से आई से हो गया है और जी का ओ से हो गया है। देखिए एक में 8 जोड़ा है तो 9 हो गया है और 7 में 8 जोड़ा है तो 15 हो गया है, ठीक है। अब उसी प्रकार हम संबंध बनाएंगे ई और के का, ठीक है, ई और के का। देखिए दोस्तों हम ई में कौन सी संख्या जोड़ें, देखिए पहले क्या करेंगे, पहले इसे अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अंक में कन्वर्ट करेंगे तो ई किस स्थान पे आता है 5, ठीक है, और के किस स्थान पे आता है 11, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम 5 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। तो 13 किस स्थान पर आता है यम, यानी कि पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई यम, यानी कि पहली संख्या प्राप्त हो गई यम, ठीक है। अब 11 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17, ठीक, और सॉरी 19 होगा। 11 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हम अगर 11 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 19। 19 नंबर पे क्या आता है, यस आता है, क्या आता है, यस आता है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, यम यस, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए दोस्तों हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले इन अक्षरों को अंक में कन्वर्ट किया, ठीक है, और इसमें 8 जोड़ दिए, ठीक है, तो हमारी संख्याएँ, हमारी अक्षर संख्याएं प्राप्त हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा गया, यम यस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।